नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस, लवर्स ओरेकल्स, जो आपके पर्सन ने शायद आपको कभी बोला होगा या नहीं कहा है लेकिन कहना चाहते हैं। ऐसी कुछ मैसेजेस हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की हिडन मैसेज, या फिर कभी उन्होंने आपसे कहा भी होगा तो सुन के आपको ये लगेगा हाँ ये तो यही बोलते हैं हमेशा। तो उस मैसेज को हम कन्वे करेंगे उनके तरफ से। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। कुछ लोगों को शिकायत रहता है, मैं बहुत जोर से नहीं बोल पा रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जितना मैं जोर से बोल पा रही हूँ उतना बोल रही हूँ, प्लीज कोऑपरेट करें मेरे साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए एरीज यानी मेष राशि। ये मैसेजेस आप 72 घंटे के लिए खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। वैसे तो ऐसी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोल रहे थे, लेकिन फिर भी एक टाइम स्टैम्प देना जरूरी हो जाता है कभी कभी, इसीलिए 72 घंटे तक आप इसको सोच सकते हो। देख लेते हैं। और एक बात है, ये रीडिंग ओनली फॉर कपल्स के लिए है जो कोई भी रिश्ते में है, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन रिश्ते में होना चाहिए। जो सिंगल्स हैं, जो किसी भी तरीके से खुद को सिंगल मानते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। जो पूरी तरीके से सिंगल्स मानते हैं खुद को या सिंगल्स हैं, जो रिश्ते में हैं, क्योंकि लव मैसेजेस डेफिनेटली जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ही आएगा, चाहे कॉन्टैक्ट हो या नो कॉन्टैक्ट हो। देख लेते हैं पहला मैसेज। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर विल इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द ग्रेसवे टू ऑल सोल। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्यार के मामले में, तो हमेशा आपको अपने दिल की सुननी चाहिए ना कि दिमाग की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते में है, लव रिलेशनशिप में है, लव फील करते हैं, लेकिन हमेशा रिश्ते में भी प्यार में भी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वेरी बैड, क्योंकि दिमाग से तो प्यार नहीं होता। दिमाग से एकमात्र एक ही चीज होता है, वो है बिजनेस, और प्यार हमेशा दिल से होता है। तो आपके पर्सन भी आपसे ये कह रहा है एरीज, या फिर आप कहना चाहते हो, जो भी है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। क्योंकि इसका थीम ये है कि मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, तो मैं उनके तरफ से पढ़ूंगी। ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप किसी से रिश्ता करो दिल से करो, कुछ कहना हो तो दिल से कहो, सोचना हो तो दिल से सोचो, जब इसमें प्यार वाला रिश्ता है। हाँ, अगर आप बिजनेस करते हो, कुछ फायदे की बातें हैं, तब आप दिमाग से सोचो, लेकिन हमेशा प्यार के रिश्ते में जो भी आपको करना चाहिए, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो रिश्ते में, तो आपको दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं एरीज आपके पर्सन। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं एरीज आपके पर्सन। लवर्स ऑरेकल्स से आपके लिए आपकी लवर्स की मैसेज, लव वंस की मैसेज, जिनके साथ आपका लव रिलेशन है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। हीलिंग, सेकंड मैसेज हीलिंग। ये कह रहे हैं इमेज योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन सराउंडेड बाय ए लाइट, फील योर रिलेशनशिप बिकम हील
दिस वेरी मोमेंट। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ये इमेज करना पड़ेगा, ये धारणा, ये सोचना पड़ेगा कि आप और आपके जो लव वन है, जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप है एरीज, आप दोनों एक सनलाइट में हो और चारों तरफ से ये लाइट आप लोगों की ऊपर गिर रहा है। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड इन दिस एवरी मोमेंट, जस्ट लाइक दिस फोटो। आपको इस फोटो, अगर ये फोटो दिखाई दे रहा है, तो ये कहना चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन, जब ये फील कीजिए कि आप दोनों एक सनलाइट में हो और सॉरी मूनलाइट में हो, और आपका जो प्यार है उस पर यूनिवर्स की जो लाइटिंग, मून की जो लाइटिंग है वो गिर रहा है, और आप लोगों का प्यार जो है वो हील हो रहा है। क्योंकि हो सकता है जो ये बात कहना चाहते हैं, इन दिनों कुछ प्यार में आप लोगों की कुछ अनबन चल रहा है, जिनकी भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि अपने प्यार को हील करना मून लाइट से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। अभी हम देखेंगे एरीज ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपकी पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं थर्ड जो मैसेज है वो क्या है। बट डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। ये आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज के लिए दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक रश में दौड़ने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी नेचर की नेचर की जो बेसिक नेचर होता है उसके साथ चलना चाहिए। मतलब जो जब होना होगा तब होगा, आसी मतलब ओरिजिनल जो इसका मीनिंग है, अगर मैं कहूँ डोंट रश इनटू द अलाउ नेचर, आपको भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मेन जो वर्ड है वो है वेट। वेट का मतलब आपको इंतजार करना है, हमेशा भागने की जरूरत नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ चीजें नेचर पर छोड़ दीजिए, जो होगा जब होना होगा वो तब होगा। बहुत जल्दबाजी से, बहुत भागने से, बहुत दौड़ने से, बहुत सोचने से वो चीज नहीं होगा, जब होना होगा डेफिनेटली तभी वो चीज होगा। अभी हम देखेंगे कि और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। बैलेंस नंबर फोर, बैलेंस ये कहना चाहते हैं कि लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट। आपको ये कहा जा रहा है, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि लव, प्यार हमेशा ऐसा नहीं कि आपको एक एग्रीमेंट करके ही प्यार करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट कार्ड जो आया था ना, इमेज योरसेल्फ योर बिलावेड, नहीं सेकेंड जो कार्ड आया था फर्स्ट, इफ यू कुड डू एनीथिंग यस यू द आंसर ड्वेल इन योर हार्ट, वैसा ही ये कहना चाहते हैं बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैंने पहले ही कहा था इस कार्ड का जो आया था मीनिंग, कि हमेशा एक एग्रीमेंट जैसे, ये एग्रीमेंट किस में होता है, किस चीज में होता है, जिसमें प्यार नहीं होता है उसमें एग्रीमेंट किया करना पड़ता है, लेकिन जिसमें प्यार होता है उसमें एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। और ये ग्रेट रिलेशनशिप इज नॉट दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस, ये कोई ऐसा एक अच्छा जो रिश्ता होता है वो कितना भी परेशानी आए, कितना भी चैलेंजेस आए, लेकिन अगर दोनों की सपोर्ट एक जैसा हो उस रिश्ते के लिए, मतलब अगर बैलेंस हो रिश्ते में, तो ही वो रिश्ता आगे जा सकता है। ऐसा नहीं कि रिश्ते में कोई एक बहुत काम कर रहा है, कोई और एक जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, नहीं,
या फिर एग्रीमेंट करके आपको ये करना है मुझे ये करना है, आपको ये करना है मुझे वो करना है, तो इस तरीके से कम रिश्ता तो नहीं चलता है। लेकिन अगर आपको रिश्ते चलाना है एक इनविजिबल बैलेंस के साथ, रिश्ते को चलाइए जिसमें प्यार भी रहेगा, एक दूसरे की सपोर्ट भी रहेगी, जिसमें देखने की जरूरत नहीं है, जो जो चीज दिल से किया जाता है बार बार एक एग्रीमेंट करके याद करवाने की जरूरत नहीं है। अरे आपने ये कहा था, डोंट शेक इट ऑफ, ये बार बार आपको याद दिलाने, धक्का मारने की जरूरत नहीं है कि अरे आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था, आपने तो मेरे साथ ऐसा करने के लिए बोला था, आपने तो कहा था मुझे ये देना है ये करना है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, दोनों की रिश्ते में एक म्यूचुअल सपोर्ट है, बैलेंस है, तो कोई भी चैलेंजेस आ जाए रिश्ते में, रिश्ता कभी भी खराब नहीं हो सकता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस अगर रिश्ते में होता है तो। अभी हम देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो मैसेजेस आपके लिए आया है देखेंगे एंजल इसमें क्या कहना चाहते हैं। रिकवरी, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे सही हो जाएगा। हो सकता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, एरीज के जिन लोगों की एनर्जी इस रीडिंग में आ रहा है, उन लोगों की रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आप परेशान हो, अगर जैसे कि उन्होंने कहा है कि हीलिंग चाहिए, बैलेंस चाहिए, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, बहुत जल्दी सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने आपकी पर्सन ने, या फिर अगर आप कहना चाहते हो एरीज, तो उस तरीके से यूनिवर्स आपसे कह रहा है सच में अगर बैलेंस रखते हो, इंतजार करते हो, हीलिंग करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो रिश्ता है वो अगर परेशानी में चल रहा है तो ये हील हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, धीरे धीरे ये परेशानी खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।